वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यू ऑल आर वेरी वेलकम हियर ऑन द चैनल शर्मास्पुर ट्यूटोरियल 3M। और अभी हम लोग वोकैबुलरी क्लासेस का क्लास नंबर 9 शुरू करते हैं, और ये डेली वोकैबुलरी क्लासेस का लेक्चर ट्यूटोरियल क्लास का वीडियो अपलोड किया जाता है। चलिए, इस क्लास में हम लोग सीखते क्या है। इस क्लास में हम लोग मोर देन लगभग 130 प्लस वर्ड हम लोग सीखते हैं, ठीक है। और ये क्लासेस ही है वोकैबुलरी, तो वैसे देख लीजिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 20 क्वेश्चन, अर्थात 20 न्यू वर्ड्स हम लोग सीखेंगे। सिनोनिम्स एंटोनिम्स में 20 क्वेश्चन, तो 20 वर्ड्स तो होता ही है। 20 वर्ड्स के साथ साथ 20 को दो बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40, माना दो दो सिनोनिम्स है और दो दो एंटोनिम्स है, माना ये कुल मिला करके 100 वर्ड्स तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स में ही हम लोग सीख जाते हैं। लेकिन फ्रेजल वर्ब्स 20 हो गया, फिर इडियम और फ्रेजेस भी 20 है, और प्रोवर्ब्स 20 है, तो कुल मिलाकर के मोर देन 130 वर्ड्स हम लोग न्यू सीखते हैं। उसके अलावा जो हम लोग के पास नॉलेज एनहेंस होती है वो तो होती ही है। तो चलिए, इस प्रकार ये रिविजन क्लासेस करते हैं। जिनको आती है वो तो बहुत बढ़िया, जिन्हें नहीं आती है वो ध्यान से इसे रेगुलर सुनते रहिए, सीखते चाहिए, और अपना कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए रिच होते रहिए। चलिए, सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन हम लोग देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसमें हम लोग एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। तो सबसे पहला है थिंग्स टू बी करेक्टेड इन ए प्रिंटेड बुक। इसके लिए वन वर्ड क्या होगा, थिंग्स टू बी करेक्टेड इन ए प्रिंटेड बुक, शुद्धिकर पत्र, तो इसे हम लोग कहते हैं कोरिजेंडम, ठीक है। कोरिजेंडम मीन्स थिंग्स टू बी करेक्टेड इन ए प्रिंटेड बुक, मीन्स कोरिजेंडम, ठीक है। दूसरा प्रश्न है थिंग्स टेकन बाय रोवर्स, लुटेरों के द्वारा जो चीज ले जाया गया हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बूटी, मींस लूट का माल, ठीक है। बूटी मींस थिंग्स टू बी टेकन बाय रोवर्स, मींस बूट का माल, ठीक है। दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय टच, जिसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, उसे हम लोग कहते हैं इनटैंजिबल, मींस अस्पृश्य, ठीक है, जिसे छू करके नहीं देखा जा सकता। जैसे हवा, हवा को हम लोग फील करेंगे, कहीं पर कोई ये ठोस वस्तु तो है नहीं जिसे हम लोग छू सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से इसे हम लोग कहते हैं इनटैंजिबल। क्वेश्चन नंबर 4, दैट विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, मींस इनकैलकुलेबल, मींस अवर्णनीय, जिसे हम लोग कहेंगे दैट विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, मींस इनकैलकुलेबल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, इस प्रश्न संख्या 5 को हम लोग क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम अर्लियर फॉर्म्स, मींस जीनियोलॉजी, मींस वंशानुक्रम, ठीक है। स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम अर्लियर फॉर्म्स, मींस जीनियोलॉजी, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं वंशानुक्रम। प्रश्न संख्या 6, स्टडी ऑफ ओशंस एंड देयर फेनोमेना, मीन्स समुद्र और उससे संबंधित घटनाओं का जो अध्ययन है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओशियोनोग्राफी। ओशियोनोग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ ओशंस एंड देयर फेनोमेना, इसे हम लोग ओशियोनोग्राफी कहेंगे। स्टडी ऑफ ओशंस एंड देयर फेनोमेना, इसे हम लोग ओशियोनोग्राफी मीन्स समुद्र विज्ञान। नेक्स्ट देखिए, स्टडी ऑफ लॉ मीन्स कानून, विधि विज्ञान के अध्ययन को हम लोग कहते हैं नोमोलॉजी, मीन्स विधि विज्ञान। 8 नंबर, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जीवाश्म का जो अध्ययन है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्म विज्ञान, मीन्स प्लांटोलॉजी, ठीक है, प्लांटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फॉसिल्स। 9 नंबर मीन्स स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स लाइक टोम्स, बरीड टाउन्स, इसे हम लोग कहते हैं आर्कियोलॉजी, ठीक है, मीन्स पुरातत्व विज्ञान। नेक्स्ट नंबर प्रश्न संख्या 10, स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर फूड, मीन्स वेल्थ, स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर फूड या वेल्थ, ठीक है, भोजन की तीव्र इच्छा या धन की तीव्र इच्छा, तो इसे हम लोग कहते हैं ग्रीड, मीन्स लालच, ठीक है, और लालच बुरी वाला है, इसलिए ज्यादा डिजायर मत रखिए। और वैसे वन वर्ड के लिए हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर फूड और वेल्थ, मीन्स ग्रीड। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अदर्स, दूसरों की लिखत से चोरी करना, तो इसे हम लोग कहते हैं प्लैगियरिज्म, मीन्स साहित्यिक चोरी, ठीक है, प्लैगियरिज्म मीन्स साहित्यिक चोरी, ठीक है, प्लैगियरिज्म मीन्स क्या, साहित्यिक चोरी, मीन्स स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अदर्स, मीन्स प्लैगियरिज्म मीन्स साहित्यिक चोरी। प्रश्न संख्या 12, मीन्स स्टेटमेंट डैट इज ऑब्वियसली ट्रू,
वह स्टेटमेंट जो बेशक सत्य हो उसे हम लोग कहेंगे सामान्योक्ति, प्लेटिट्यूड। ठीक है, स्टेटमेंट्स डेट इज ऑब्वियसली ट्रू, स्टेटमेंट डेट इज ऑब्वियसली ट्रू मीन्स प्लेटिट्यूड। नेक्स्ट 13 नंबर, मीन्स डेट विच कैन बी इजिली बिलीव्ड, जिससे आसानी से बिलीव किया जा सके उसे हम लोग कहते हैं क्रेडिबल। ठीक है, डेट विच कैन बी इजिली बिलीव्ड मीन्स क्रेडिबल। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर, डेट विच कैन नॉट बी पुट आउट और एक्सटिंग्विश्ड मीन्स इनएक्सटिंग्विशेबल, मीन्स जिसे बुझाया ना जा सके उसे हम लोग कहेंगे inextinguishable, means that which cannot be put out or extinguished, that which cannot be satisfied means insatiable, means atrept, insatiable means that which cannot be satisfied means insatiable. 16 number, that which can easily be curved without breaking means flexible, means lachila, ise hum log kya kahenge flexible, that which can easily be curved without breaking means flexible. 17 नंबर देखिए, डैट विच कैन नॉट बी करप्टेड मीन्स जो करप्ट नहीं हो उसे हम लोग कहेंगे इनक्रप्टेबल मीन्स ऑनेस्टी हो गए, ईमानदार, जो करप्ट नहीं है। नेक्स्ट 18 नंबर, टू एस्केप फ्रॉम हार्ड रियलिटीज मीन्स एस्केपिज्म मीन्स प्लायनवाद, क्या कहेंगे एस्केपिज्म किसे कहेंगे, टू एस्केप फ्रॉम हार्ड रियलिटीज, तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग में हम कहेंगे एस्केपिज्म। 19 नंबर, द सिस्टम विच इज ऑब्जर्व्ड टू डू प्रोग्रेस और रिफॉर्म मीन्स, इसे हम लोग कहेंगे रिफॉर्मिज्म मीन्स सुधारवाद। रिफॉर्मिज्म का मतलब क्या होता है, सुधारवाद, रिफॉर्मिज्म मीन्स क्या होता है, सुधारवाद। ठीक है, 20 नंबर, टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल द गॉड्स मीन्स पैंथियम, वह टेम्पल जिससे सभी के लिए डेडिकेटेड हो, समर्पण हो, तो उसे हम लोग कहेंगे सर्वेश्वर मंदिर मीन्स पैंथियम, उसे हम लोग कहेंगे टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल द गॉड्स मीन्स पैंथियम, टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल द गॉड्स मीन्स पैंथियम, टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल द गॉड्स मीन्स पैंथियम। एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं फटाफट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। फर्स्ट क्या था, थिंग्स टू बी करेक्टेड प्रिंटेड बुक कॉरिजेंडम, सेकेंड वन थिंग्स बाई टेकन बाई रोबर्स उसे कहेंगे बूटी, that which cannot be perceived by touch उसे हम लोग कहेंगे intangible, that cannot be calculated उसे कहेंगे incalculable, study of the development of plants and animals from earlier forms उसे हम लोग कहेंगे genealogy, study of oceans and their phenomena उसे हम लोग कहेंगे oceanography, फिर study of law उसे कहेंगे nomology, फिर study of fossils उसे हम लोग कहेंगे plantiology, फिर study of ancient things like tombs, buried town उसे हम लोग कहेंगे archaeology, next 10 is strong desire for food या wealth उसे हम लोग क्या कहेंगे लालच या लोभ, 11 नंबर stealing from the writings of others उसे हम लोग कहते हैं plagiarism, next statement that is obviously true platitude, that which cannot can be easily believed उसे हम लोग कहेंगे credible, 14 नंबर that which cannot be put out or extinguished हम लोग कहेंगे inextinguishable, and next number 15 नंबर that which cannot be satisfied is called insatiable, next one that which can easily be curved without breaking that is flexible, and 17 नंबर that which cannot be corrupted that is incorruptible, and next one to escape from hard realities that is escapism, and 19 number the system which is observed to do progress or reform that is reformism, and the last one this section one of the one word of the substitution that is 20 number that is temple dedicated to all the gods that is pantheon. Okay, let's see the next section that is B, and it is synonyms and antonyms. Let's check what are the words in the section B that we have to say the synonyms and antonyms. The first word is conspicuous. सबसे पहला word है conspicuous, one word, sorry, synonyms or antonyms का. Conspicuous का मतलब ये होता है प्रत्यक्ष या उत्कृष्ट. ठीक है, conspicuous का means क्या होता है, प्रत्यक्ष या उत्कृष्ट. Conspicuous means प्रत्यक्ष या उत्कृष्ट means prominent, इसका synonyms हो गए, और obvious इसका synonyms हो गए. ठीक है, प्रत्यक्ष या उत्कृष्ट, और इसका ठीक उल्टा एंटोनिम्स क्या क्या होगा, कंसील्ड या हिडन, कंसील्ड और हिडन इसका क्या होगा एंटोनिम्स होगा, और प्रोमिनेंट और ओबियस इसका
कॉन्स्पिकुअस का सिनोनिम्स है और कॉन्सील्ड और हिडन क्या है इसका एंटोनिम्स है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सोलिडेट। कॉन्सोलिडेट का सिनोनिम्स हो गया, उसके पहले हम लोग देखते हैं कॉन्सोलिडेट जो है इसका वन इसका मीनिंग हो गया ठोस, दूसरा मीनिंग है पोस्ट। कॉन्सोलिडेट का मीनिंग क्या हो गया? ठोस, फिर हो गया पोस्ट। और इसकी सिनोनिम्स की बात किया जाए तो फर्स्ट वन हो गया कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट हो गया सिनोनिम्स, स्ट्रॉन्ग हो गया सिनोनिम्स। कॉम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग ये दोनों सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, कॉम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग ये दोनों सिनोनिम्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेपरेट और वीक ये दोनों कंसोलिडेट का एंटोनिम्स हो गया। कंसोलिडेट का मतलब होता है ठोस, जो मजबूत हो, पुष्ट हो, जो सघन हो। ठीक है, तो कॉम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग जो मजबूत है, सघन है। लेकिन ठीक, अगर इसका ओपोजिट कहे तो सेपरेट और वीक ये दोनों ओपोजिट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर थ्री नंबर की बात करें तो कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मीनिंग क्या होता है? परिणाम या प्रभाव। कॉन्सिक्वेंस का मीनिंग क्या होता है? परिणाम या प्रभाव। कॉन्सिक्वेंस का मीनिंग, कॉन्सिक्वेंस का मीनिंग क्या होता है? परिणाम या प्रभाव। ठीक है, और इसका सिनोनिम्स क्या क्या है? इफेक्ट है। सिनोनिम्स क्या क्या है इसका? सिनोनिम्स इफेक्ट है और आउटकम है इसका। सिनोनिम्स इफेक्ट है, सिनोनिम्स और आउटकम भी इसका सिनोनिम्स है। ठीक है, इफेक्ट सिनोनिम्स, आउटकम सिनोनिम्स। मीन्स परिणाम या प्रभाव, इफेक्ट मीन्स प्रभाव, आउटकम मीन्स रिजल्ट, परिणाम। और इसका ओपोजिट की बात करें, एंटोनिम्स की बात करें तो ओजिन, ओरिजिन। ठीक है, जहाँ से ये उद्भव होता है या स्टार्ट, जहाँ से शुरू होती है, तो ये दोनों ओपोजिट है। और इसका परिणाम जहाँ एंड होता हो या जो प्रभाव दिखता हो या जो परिणाम निकल करके आता हो, ये एंटोनिम्स हो गए। और वर्ड क्या था? कॉन्सेक्वेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल का मतलब ये होता है नीच या घृणित। डेस्पिकेबल मीन्स नीच या घृणित। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? वर्थलेस या सेमलेस इसका मीनिंग है। और एंटोनिम्स इसका क्या हो गया? वर्थी हो गया या डिसेंट हो गया। वर्थी और डिसेंट इसका एंटोनिम्स हो गया। अगर फाइव नंबर में बात करें तो फिर वर्ड है हमारे पास डिस्टेन, मीन्स अवहेलना या तिरस्कार। ये वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है? डिटेस्ट है और डिस्पाइस है। ठीक है, तो ये दोनों सिनोनिम्स हो गया डिस्टेन का, मीन्स डिटेस्ट, और डिस्पाइस मीन्स अवहेलना करना, तिरस्कार करना, इसका सिनोनिम्स है। और वहीं पर अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो अप्रूव, जो स्वीकृति देता हो, और प्रेज, जो प्रशंसा करता हो। ठीक है, तो ये दोनों एंटोनिम्स हो गए इसका डिस्टेन का। सिक्स नंबर वर्ड है हमारे पास डिराइड, मीन्स उपहास करना। डपहास नहीं, ये उपहास है। डिराइड मीन्स उपहास करना, मीन्स मॉक और टॉन्ट, टॉन्ट मारना। हिंदी में कई लोग यूज करते हैं टॉन्ट मारता है, तो फिर टॉन्ट को ही हम लोग कहते हैं उपहास करना। मॉक मीन्स उपहास, मजाक बनाना। इसका ठीक ओपोजिट क्या हो जाएगा डिराइड का? इंस्पायर मीन्स जो एनकरेज करता हो, मीन्स जो प्रेरित करता हो। तो इंस्पायर, डिराइड का मीनिंग क्या है? इंस्पायर और इनकरेज। डिराइड का मीनिंग क्या? इंस्पायर और इनकरेज। ठीक है, डिराइड मीन्स इंस्पायर और इनकरेज। ठीक है, और इसका सिनोनिम्स क्या हो गया? सिनोनिम्स क्या है? मॉक, और सिनोनिम्स है मॉक और टॉन्ट। ठीक है, और सेवन नंबर देख लीजिए। सेवन नंबर में क्या है? डिप्राइव। डिप्राइव का मतलब क्या होता है? वंचित करना। डिप्राइव का मीनिंग क्या है? वंचित करना। ठीक है, डिप्राइव मीन्स वंचित करना। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो गया? डिस्पोइल्ड हो गया और डाइवेस्ट हो गया। तो डिस्पोइल्ड और डाइवेस्ट ये दोनों इसका सिनोनिम्स हो गए। और इसका एंटोनिम्स की बात करूँ तो फिर रीस्टोर और रीन्यू। रीस्टोर और रीन्यू इसका डिप्राइव का एंटोनिम्स हो गया, डिप्राइव का। ठीक है, रीस्टोर और रीन्यू डिप्राइव का एंटोनिम्स है। और एट नंबर में डिमोलिश, इसका मीनिंग क्या होता है? डिमोलिश का मीनिंग नष्ट करना। डिमोलिश का मीनिंग नष्ट करना।
मीन्स रियून और डिवास्टेट। रियून और डिवास्टेट का मीनिंग क्या है? रियून और डिवास्टेट का मतलब ही है डिमोलिश करना मीन्स नष्ट करना, ठीक है। डिमोलिश करना मीन्स नष्ट करना, इसका मतलब रियून करना, डिवास्टेट करना। तो इसका ठीक उल्टा अपोजिट क्या होगा? रिपेयर करना और कंस्ट्रक्ट करना, मीन्स मरम्मत कर देना, निर्माण करना। और ठीक इसका सिनोनिम्स डिमोलिश का बर्बाद करना, नष्ट करना, और उल्टा मरम्मत कर देना, निर्माण कर देना, ठीक है। तो डिमोलिश। नेक्स्ट वन, 9 नंबर हमारे पास वर्ड क्या है? डेलीशियस। डेलीशियस 9 नंबर में क्या है? डेलीशियस। डेलीशियस मीन्स क्या? डेलीशियस मीन्स क्या होता है? सुस्वादु। डेलीशियस मीन्स क्या होता है? सुस्वादु या फिर मधुर। सुस्वादु या फिर मधुर। डिलीशियस मीन्स सुस्वादु या फिर डिलीशियस मीन्स सुस्वादु या फिर मधुर, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास? पैलेटेबल हो जाएगा, टेस्टफुल हो जाएगा। और वहीं पर एंटोनिम्स की बात किया जाए तो फिर क्या क्या वर्ड है हमारे पास इसका एंटोनिम्स में? हम लोग के पास है डिस्टेस्टफुल है और अनसेवरी है, ठीक है। डिस्टेस्टफुल और अनसेवरी, ये दोनों एंटोनिम्स है डिलीशियस का। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, एविडेंट। एविडेंट का मीनिंग क्या है? सुस्पष्ट या प्रत्यक्ष। एविडेंट मीन्स सुस्पष्ट या फिर प्रत्यक्ष। इट मीन्स ओबियस या फिर अपारेंट, ठीक है, ओबियस या फिर अपारेंट। और इसका ऑपोजिट क्या है? ऑब्सक्योर या फिर कंसील्ड। ऑब्सक्योर और कंसील्ड ये ऑपोजिट वर्ड्स हैं, ठीक है। और एविडेंट का मीनिंग क्या है? सुस्पष्ट या फिर प्रत्यक्ष। और ओबियस या फिर अपारेंट, ऑब्सक्योर और कंसील्ड, ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर देख लेते हैं हम लोग क्या है। 11 नंबर में वर्ड है हम लोग के पास इवेड। इवेड का मीनिंग क्या है? बचना या जी छुड़ाना। वहीं पर अगर हम लोग बात करें इसका सिनोनिम्स क्या है? अवॉइड है और इल्यूड है। अवॉइड मीन्स और इल्यूड इसका सिनोनिम्स है। ये अवॉइड माना कोई कार्य से बचना या इल्यूड। और एक्नॉलेज और कन्फ्रंट, ये क्या है? इसका अपोजिट है इवेड का, ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर में हम लोग के पास वर्ड है इटर्नल। इटर्नल का यूज काफी बार किया जाता है, जिसका मतलब होता है नित्य या अनंत। इटर्नल मीन्स क्या? नित्य या फिर अनंत, ठीक है। और इसका सिनोनिम्स क्या हो गया हम लोग के पास? पर सिनोनिम्स है परपेचुअल। सिनोनिम्स इटर्नल का परपेचुअल या फिर एंडलेस, जो कभी खत्म ही नहीं हो, ठीक है, उसे हम लोग एंडलेस कहेंगे या फिर परपेचुअल। इसका ठीक ऑपोजिट वर्ड इटर्नल का क्या मिल जाएगा हम लोग के पास? टेम्पररी या फिर मोमेंटरी, ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर वर्ड देख लीजिए। 13 नंबर में क्या है हम लोग के पास? 13 नंबर वर्ड है, इसका मतलब होता है एस्टीम मीन्स सम्मान करना या फिर श्रद्धा। एस्टीम मीन्स सम्मान करना, एस्टीम मीन्स सम्मान करना या फिर श्रद्धा। एस्टीम मीन्स सम्मान करना या फिर श्रद्धा मीन्स रेस्पेक्ट। एस्टीम मीन्स सम्मान या श्रद्धा मीन्स रेस्पेक्ट या रेवरेंस, ठीक है। रेस्पेक्ट या फिर रेस्पेक्ट या फिर रेवरेंस, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एस्टीम, ठीक है। रेडिक्यूल इसका ऑपोजिट हो जाएगा या स्पॉर्न। नेक्स्ट 14 नंबर, इक्विवोकल मीन्स अस्पष्ट या निश्चित। इसका मीनिंग क्या है? अनसर्टेन है या फिर एम्बिगुअस है। नेक्स्ट इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्या है? ओबियस या फिर लूसिड। 15 नंबर, एपिटोम संक्षेप संग्रह, जिसे हम लोग कहेंगे प्रिसाइज या एग्जाम्पल, ठीक। इसका उल्टा इंक्रीमेंट या एक्सपेंसिव, ठीक है। 16 नंबर वर्ड है हम लोग के पास इरेडिकेट, इसका मतलब भी होता है समाप्त करना, नष्ट करना। इसका मीनिंग है डिस्ट्रॉय या एक्सटर्मिनेट, ठीक है। इसका सिनोनिम्स डिस्ट्रॉय, एक्सटर्मिनेट,
या फिर एंटोनिम्स हो गया सेक्योर या फिर प्लांट, ठीक है। इरेडिकेट मीन्स समाप्त करना, तो डिस्ट्रॉय मीन्स भी समाप्त करना, एक्सटर्मिनेट मीन्स समाप्त करना, लेकिन सिक्योर मीन्स बचाना, प्लांट मीन्स स्थापित करना। तो ये दोनों क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए इरेडिकेट का। एंडोमेंट की बात करूं 17 नंबर में, तो इसका मतलब होता है धर्म दान या वृत्ति दान। तो इसका सिनोनिम्स ग्रांट या बेनिफिट दोनों है। और अगर ऑपोजिट वर्ड की बात करो एंडोमेंट की, तो फिर हो जाएगा ड्रॉबैक या फिर डैमेज, ठीक है। और 18 नंबर फैब्रिकेट मीन्स बनाना या निर्माण करना, इसका सिनोनिम्स क्या हो गए, कंस्ट्रक्ट बनाना, और प्रोड्यूस मीन्स निर्माण करना। तो फैब्रिकेट मीन्स बनाना या निर्माण करना, तो कंस्ट्रक्ट और प्रोड्यूस। और एंटोनिम्स क्या है, डिस्ट्रॉय है या डिसमेंटल है, तो ये दोनों एंटोनिम्स है। फिर नेक्स्ट नंबर 19 नंबर में फ्रुगैलिटी मीन्स किफायत, तो इकोनॉमी और प्रोविडेंस, और ये दोनों इकोनॉमी और प्रोविडेंस क्या है, ये दोनों तो सिनोनिम्स है, लेकिन लैविशनेस और एक्स्ट्रावेगेंस ये दोनों क्या है, एंटोनिम्स हो गए किसके, फ्रुगैलिटी। फ्रुगैलिटी मीन्स किफायत, और इसका इकोनॉमी मीन्स किफायत, प्रोविडेंस मीन्स सेम मीनिंग, लैविशनेस मीन्स ठीक इसका उल्टा, एक्स्ट्रा जो खर्च हो, एक्स्ट्रावेगेंस मीन्स भी अधिक खर्चीला। नेक्स्ट नंबर 20 नंबर में क्या है, फ्रीवोलस। फ्रीवोलस मीन्स अमहत्वपूर्ण मीन्स ओछा, फ्रीवोलस मीन्स अमहत्वपूर्ण ओछा। इसका सिनोनिम्स क्या हो गया, पेटी हो गया, वर्डलेस हो गया। तो पेटी और वर्डलेस ये सिनोनिम्स है, फ्रीवोलस का पेटी और वर्डलेस ये सिनोनिम्स है, लेकिन एंटोनिम्स क्या है, सोलेमन और सिग्निफिकेंट। सोलेमन और सिग्निफिकेंट, सोलेमन और सिग्निफिकेंट क्या है, एंटोनिम्स है। मीन्स सोलेमन भी एंटोनिम्स और सिग्निफिकेंट भी क्या है, एंटोनिम्स है। फ्रिवोलस का सिनोनिम्स प्रेटी और वर्थलेस, और एंटोनिम्स क्या है, सोलेमन और सिग्निफिकेंट। तो चलिए एक बार हम लोग इसे रिवाइज कर लेते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो है उसके। फर्स्ट में है कॉन्स्पिकुअस मीन्स प्रोमिनेंट, ऑब्वियस कॉन्सील्ड और हिडन। सेकेंड नंबर कंसोलिडेट मीन्स कॉम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग, या फिर एंटोनिम्स हो गए सेपरेट और वीक। और थर्ड नंबर है कॉन्सिक्वेंस इफेक्ट आउटकम, ये सिनोनिम्स है, और ये ओरिजिनेट और स्टार्ट ये एंटोनिम्स है। डिस्पेकेबल मीन्स वर्डलेस और सेमलेस, और एंटोनिम्स हो गया वर्दी और डिसेंट। डिसडेन मीन्स डिटेस्ट और डिस्पाइज, और वर्दी इसका एंटोनिम्स हो गया अप्रूव और प्रेज। डिराइड मीन्स मॉक और टॉन्ट, ये सिनोनिम्स, और इंस्पायर और इनक्रेज ये एंटोनिम्स। डिप्राइव और डिस्पोइल्ड और डाइवेस्ट ये सिनोनिम्स। रिस्टोर रेस्टोर और रिन्यू ये एंटोनिम्स हो गए। डिमोलिश और रिउन, डिवास्टेट ये सब सिनोनिम्स हो गए डिमोलिश का, और रिपेयर और कंस्ट्रक्ट ये एंटोनिम्स हो गया, ठीक है। डिलीशियस का मीनिंग है पैलेटेबल या टेस्टफुल, और एंटोनिम्स है डिस्टेस्टफुल या अनसेवरी। एविडेंट मीन्स ऑब्वियस या अपारेंट, और ऑब्स्क्योर और कंसील्ड ये दोनों हो गए इसका एंटोनिम्स, ठीक है। इवेड मीन्स अवॉइड और एल्यूड, ये सिनोनिम्स है, और एक्नॉलेजमेंट या फिर कन्फ्रंट ये एंटोनिम्स है। इटर्नल मीन्स परपेचुअल और एंडलेस, और इसका एंटोनिम्स है टेम्पररी और मोमेंटरी, ठीक है।
एस्टीमेट, मीनिंग है रेस्पेक्ट, रेवरेंस, ये सिनोनिम्स, और रेडिक्यूल और स्पर्न ये एंटोनिम्स हैं। इक्विवोकल मीन्स अनसर्टेन और एम्बिगुअस, ये सिनोनिम्स, और ऑब्वियस और लूसिड ये एंटोनिम्स है, ठीक है। एपिटोम मीन्स प्रिसाइज और एग्जाम्पल, ये सिनोनिम्स है, और इंक्रीमेंट और एक्सपेंशन ये एंटोनिम्स है। रेडिकेट मीन्स डिस्ट्रॉय और एक्सटर्मिनेट, ये सिनोनिम्स है, और सिक्योर और प्लांट ये क्या है, एंटोनिम्स है। इंपावरमेंट मीन्स ग्रांट और बेनिफिट, ये सिनोनिम्स है, और ड्रॉबैक और डैमेज ये एंटोनिम्स है, ठीक है। फैब्रिकेट मीन्स कंस्ट्रक्ट और प्रोड्यूस, ये सिनोनिम्स है, और डिस्ट्रॉय और डिसमेंटल ये एंटोनिम्स है। इसी तरह से फ्रुगैलिटी मीन्स इकोनॉमी और प्रोविडेंस, सिनोनिम्स है, और लैविशनेस और एक्सट्रावेगेंस ये जो है एंटोनिम्स है। फ्रिवोलस मीन्स पेटी और वर्थलेस मीन्स, ये दोनों सिनोनिम्स है, और सोलेमन और सिग्निफिकेंट एंटोनिम्स है। नेक्स्ट वन हम लोग थर्ड नंबर सी नंबर सेक्शन देखते हैं, जिसमें हम लोग फ्रेजल वर्ब्स पढ़ते हैं। फ्रेजल वर्ब्स में भी हम लोग 20 फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे, और बहुत बढ़िया फ्रेजल वर्ब, जिसका मीनिंग भी देखेंगे, हिंदी मीनिंग भी देखेंगे, और इसी में हम लोग एक सेंटेंस में इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं उसे भी देखते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, हर एग्जाम में एक से लेकर के 5 तक फ्रेजल वर्ब्स, कहीं 2 फ्रेजल वर्ब अक्सर पूछ ही लिया जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, यह काफ़ी बैंकिंग और SSC दोनों के लिए यह बेनिफिशियल है, ठीक है। और भी सारे, वैसे भी इंग्लिश सीखना हो तो फ्रेजल वर्ब्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश बोलने के लिए भी, लिखने के लिए भी, यह सुंदरता बढ़ाती है इंग्लिश का, और इंग्लिश तो भाषा है तो स्वाभाविक है सीखना ही चाहिए। चलिए तो फर्स्ट नंबर, बीट डाउन मीन्स टू लोअर प्राइस बाय बार्गेनिंग। बीट डाउन का मतलब होता है मोल जोल से कीमत कम करना, ठीक है, मोल जोल से कीमत कम करना। मीन्स रोनी गोट द कार फॉर अ गुड प्राइस, ठीक है, रोनी गोट द कार बाय गुड प्राइस, दे वॉन्टेड ₹80,000 एट फर्स्ट, बट सी बीट देम डाउन टू ₹25,000, ठीक है। वह मोल जोल करके 75,000 कर लिया, और शुरुआती कीमत कितना था, 80,000। तो इस प्रकार बीट डाउन मीन्स मोल जोल करके कम करना, ठीक है, बीट डाउन मीन्स मोल जोल करके कम करना। नेक्स्ट नंबर, बीट अप मीन्स क्या होता है, बीट विथ पंचेस एंड किक्स मीन्स पीटना। बीट अप मीन्स बीट विथ पंचेस एंड किक्स मीन्स पीटना। द पुलिस बीट द थीफ अप टू मेक हिम साइन द कन्फेशन। नेक्स्ट नंबर, थर्ड नंबर, बीट ब्लैक आउट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर मीन्स अंधेरा छाना, मीन्स बिजली खो जाना, मीन्स अंधेरा छाना। द सिटी वॉज ब्लैक आउट वेन द पावर प्लांट वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ब्लैक आउट मीन्स टेम्पररी लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस और मेमोरी मीन्स बेहोश हो जाना, ठीक है। आई डोंट, इसको कैसे एग्जाम्पल में यूज करेंगे देख लीजिए। आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग अबाउट इट, सो आई मस्ट हैव ब्लैक्ड आउट। नेक्स्ट नंबर, नंबर 5, ब्लो अप मीन्स एक्सप्लोड और ब्लास्ट मीन्स विस्फोट होना। टेररिस्ट प्लान्ड टू ब्लो अप द ब्रिज। 8 नंबर, 6 नंबर, ब्लो अप मीन्स इनफ्लेट मीन्स फ्लर। चेक द प्रेशर इन योर कार्स टायर एंड ब्लो देम अप इफ इट इज टू लो। वैसे ही इसका PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप फ्री में सब्सक्राइब ज्वाइन कीजिए, और वहाँ से सारे PDF नोट्स और हैंड रिटन नोट्स हो या फिर कंप्यूटर रिटन नोट्स हो, वो आप बेशक फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। PDF इसका कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो PDF के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और डाउनलोड कीजिए। नेक्स्ट नंबर, 7 नंबर, ब्लो अप मीन्स रिब्यूक स्ट्रॉन्गली मीन्स डांटना। लूज वंस टेम्पर मीन्स गुस्से में। द प्रिंसिपल ब्लू अप एट द प्यून फॉर कमिंग लेट। प्यून के देरी के आने से प्रिंसिपल गुस्से में आ गया, ठीक है। 8 नंबर, ब्लो आउट मीन्स एक्सटिंग्विश बाय ब्लोइंग मीन्स फूंक कर बुझाना। मोनिका ब्लू आउट द कैंडल्स ऑन हर बर्थडे केक।
नाइन नंबर में मिस ब्लू ओवर मीन्स फेड अवे मीन्स गायब हो जाना मीन्स द स्टोरी वाज इन द न्यूज़पेपर फॉर अ वाइल बट इट सून ब्लू ओवर एंड नोबडी हर्ड एनीथिंग मोर अबाउट इट। ठीक है। नंबर 10 बाउंस बैक। बाउंस बैक मीन्स रिबाउंड मीन्स उछल कर वापस आना। दिस ईयर द कंपनीज परफॉर्मेंस इज नॉट गुड बट वी होप वी शैल बाउंस बैक एंड डू बेटर नेक्स्ट ईयर। 11 नंबर ब्रेक डाउन मीन्स फेल या कोलैप्स या स्टॉप मीन्स रुक जाना काम ठप हो जाना। कार ब्रोक डाउन ऑन द वे। टॉक्स बिटवीन द आर्मी एंड रिबेलियन ब्रोक डाउन आफ्टर मोर बॉम्ब्स अटैक्स। ठीक है। 12 नंबर ब्रेक इन टू मीन्स टू एंटर बाई फोर्सिवली मीन्स बलपूर्वक घुसना। द थीप्स ब्रोक इन टू द हाउस एंड स्टोल सम वैल्युएबल ज्वेलरी। 13 नंबर ब्रेक आउट मीन्स एस्केप बाई फोर्स मीन्स जबरदस्ती भागना। मीन्स ए प्रिजनर ब्रोक आउट ऑफ जेल बट द पुलिस कॉट हिम बैक इन साइड। 14 नंबर क्या हो जाएगा ब्रेकअप मीन्स टू एंड और डिस्पर्स मीन्स समाप्त हो जाना या फिर बिखर जाना। मीन्स द प्रोग्राम ब्रोकअप एट 8 PM। द पुलिस वी आर सेंट टू ब्रेक अप द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है। नंबर में क्या होगा ब्रेक ऑफ मीन्स डिटैच बाई ब्रेकिंग मीन्स तोड़ना। इसको एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे द टू साइड्स कुडंट एग्री सो दे ब्रोक द नेगोशिएशंस ऑफ। ठीक है। 16 नंबर में ब्रेक विथ मीन्स टू एंड अ रिलेशनशिप विथ मीन्स किसी से संबंध तोड़ना मीन्स रिमी ब्रोक विथ हर फ्रेंड। 17 नंबर ब्रेक थ्रू मीन्स इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट मीन्स सुधार या बढ़त पाना मीन्स हर सक्सेस इन द UPSC एग्जाम इज अ ग्रेट ब्रेक थ्रू फॉर द फैमिली। ठीक है। 18 नंबर में क्या है ब्रिंग फोर्थ मीन्स प्रोड्यूस उत्पन्न करना। द फार्मर्स क्या है ब्रोट फोर्थ गुड क्रॉप्स लास्ट ईयर। ठीक है। पिछले साल किसानों ने अच्छी फसल उगाई थी उत्पन्न किया था। ठीक है। फसलों की पैदावार बढ़िया हुई थी। 19 नंबर ब्रिंग अप मीन्स नर्चर करना नोरिश मीन्स लुक आफ्टर मीन्स पालन पोषण करना देखभाल करना मीन्स पुअर किड्स आर ऑफन ब्रोट अप टू मोर पोलाइट देन रिच किड्स। ठीक है। 20 नंबर ब्रिंग आउट मीन्स टू पब्लिश प्रकाशित करना। The top speed publication is going to bring out new grammar book. ठीक है। टॉप पब्लिकेशन बुक जो है नई ग्रामर बुक प्रकाशित करने जा रही है। चलिए हम लोग सेक्शन डी देख लेते हैं। डी नंबर सेक्शन में idioms and phrases देखेंगे। तो idioms और phrases में यहाँ भी 20 questions होंगे हम लोग के पास और उस सभी 20 idiom phrase का हिंदी मीनिंग भी देखेंगे। हिंदी मीनिंग के साथ साथ उसको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं उसे भी हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। ठीक है। और यह भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। फर्स्ट नंबर idiom phrase है मीन्स टू सेल वन इन अ बार्गेन मीन्स टू बी फूल समवन किसी को बेवकूफ बनाना मीन्स इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। दिस डेज पॉलिटिशियंस सेल दे आर बार्गेन टू द वोटर्स टू विन द इलेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट नंबर दूसरा नंबर टू बियर द लायन इन हिज डेन टू विजिट समबडी इम्पोर्टेंट टू चैलेंज हिम किसी शक्तिशाली व्यक्ति के घर में घुसकर चुनौती देना। इसके एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे अरविंद केजरीवाल हैज सोन हिज पोटेंशियल टू बियर द लायन इन हिज डेन। 3 नंबर टू लूज वंस बियरिंग मीन्स डेविएट फ्रॉम द राइट पाथ मीन्स सही रास्ते से भटक जाना। इन लैक ऑफ प्रॉपर गार्जियनशिप मेनी पर्सन्स लूज देयर बियरिंग्स। ठीक है। 4 नंबर है idiom phrase टू बीट अबाउट द बुश मीन्स टू अप्रोच अ सब्जेक्ट विदाउट कमिंग टू द पॉइंट मीन्स बेकार की बातें करना। द मिनिस्टर क्या है द मिनिस्टर बीट अबाउट द बुश एंड डिड नॉट क्लैरिफाई द इश्यू।
नंबर फाइव, टू बीट द एयर विंड, टू मेक अ फुटाइल अटेम्प्ट, मीन्स निरर्थक प्रयास करना, यू आर बीटिंग द एयर विंड टू परसुएड हिम। सिक्स नंबर क्या है, बेड एंड बोर्ड, मीन्स फूड एंड लॉजिंग, मीन्स खाने रहने की व्यवस्था। द एनश्राइन बोर्ड प्रोवाइड्स प्रॉपर बेड एंड बोर्ड टू द टूरिस्ट, ठीक है। सात नंबर क्या है, बेड ऑफ रोजेस एंड इजी कंफर्टेबल एंड इजी कंफर्टेबल सिचुएशन, मजे की स्थिति, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ठीक। इसी तरह से आठ नंबर में क्या है, अ बेड ऑफ थॉर्न्स मीन्स अ वेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन, तकलीफ भरी स्थिति, लाइफ इज अ बेड ऑफ थॉर्न्स। नौ नंबर में, टू डाई इन बेड मीन्स टू डाई अ नेचुरल डेथ, मीन्स स्वाभाविक मृत्यु होना। सोना देवी वॉज अ रिलीजियस वुमन, शी डाइड इन बेड। दस नंबर, टू लाई इन द बेड वन हैज मेड मीन्स टू गेट द फ्रूट्स ऑफ वंस डूइंग, जैसी करनी वैसी भरनी, ही इज लाइंग इन द बेड ही हैड मेड। इलेवन नंबर, टू गो बिहाइंड वंस वर्ड मीन्स टू डिनाई, वादा करके मुकर जाना, तो इसे हम लोग कहेंगे टू गो बिहाइंड वंस वर्ड। अजीत बाबू नेवर गोस बिहाइंड इस वर्ड, अजीत बाबू जुबान का पक्का है, इसलिए वो अपने शब्दों से कभी मुकरते नहीं है। 12 नंबर, बिलो वंस ब्रीथ इन अ लो वॉइस, तभी जुबान से, एवरीवन अपोज हिम विद बिलो हिज ब्रीथ, ठीक है। 13 नंबर, बिलो द बेल्ट मीन्स कॉन्ट्ररी टू द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, गलत तरीके से, CBI raided the CM office in Delhi below the belt. 14 number, to raise to the bench means to make a judge bana dena. Jaise Mr. S.K. Saxena has been raised to the bench in the Supreme Court of India. Supreme Court of India mein India ka uska Mr. Saxena ko judge banaya gaya, theek hai। 15 नंबर में, बिसाइड द मार्क मीन्स इरेलेवेंट मीन्स अप्रासंगिक मीन्स ही गेव सी गेव एन आइडिया बिसाइड द मार्क। 16 नंबर क्या है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी इन अ डायलेमा, दो तरफा मुसीबत में फंसना। आफ्टर द डिसीजन ऑफ पटना हाई कोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड फॉलन बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। 17 नंबर, बिटवीन टू स्टूल्स इन ए स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी मीन्स अनिश्चितता की स्थिति में होना। समटाइम्स एवरीवन फाइंड हिमसेल्फ बिटवीन टू स्टूल्स इन हिज लाइफ। 18 नंबर, बिटवीन वाइल्स मीन्स नाउ एंड देन, कभी कभार यदा कदा, आई गो टू माई कजन्स हाउस एट लोहानीपुर पटना बिटवीन वाइल्स, मैं कभी कभी जाता हूँ वहां पर, ठीक है। 19 नंबर क्या है, बिटवीन विंड एंड वाटर अनसर्टेन मीन्स अनिश्चित हालत में, ठीक है। आफ्टर इमिटेटिंग अ रिच मैन रोहन परचेस्ड ए कार एंड फाउंड हिमसेल्फ बिटवीन विंड एंड वाटर, वो किस स्थिति में अपने को पाया, अनिश्चितता हालत में। चलिए 20 नंबर है, idiom phrase, टू बीट वन वेलकम मीन्स टू वेलकम, स्वागत करना। सी बीड हर टीचर वेलकम टू हर हाउस, उसने शिक्षक को अपने घर पर स्वागत करी। चलिए लास्ट सेक्शन हम लोग ईट नंबर सेक्शन देखते हैं, जिसमें प्रोवर्ब्स की बातें करेंगे। यहाँ पर भी 20 प्रोवर्ब्स है, 20 का आपते हैं, ये कभी कभी आ जाते हैं एग्जामिनेशन में, लेकिन है वैसे काफ़ी इम्पोर्टेंट, इग्नोर नहीं किया जा सकता ऐसे में। हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, अच्छा वह जो अच्छा करे, ठीक है। थर्ड नंबर, टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल मीन्स राई का पर्वत बनाना। इफ यू डिजायर फॉर पीस बी प्रिपेयर्ड फॉर वार, अगर शांति चाहते हो तो युद्ध का प्रबंध करो, ऐसा कहा है इसमें। इल गोट इल स्पेंट मीन्स हराम की कमाई हराम में गवाई, ऐसा भी होता है। 6 नंबर, इन एक्सेस नेक्टर पॉइजन्स, हद से ज्यादा अमृत भी जहर है, ठीक है। 7 नंबर, इन फॉर अ पेनी इन
इन फॉर अ पेनी, इन फॉर अ इन फॉर अ पेनी, इन फॉर अ पाउंड, मीन्स जहां 100 वहां 125। ठीक है, इट इज फोली टू लिव इन रोम एंड फाइट विद द पोप, पानी में रहना और मगरमच्छ से वैर। नंबर, इट इज नेवर टू लेट टू मेंट, मीन्स सवेरे का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला ना जानिए। 10 नंबर, इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, और इट इज टू लेट टू सेट द टेबल स्टेबल डोर व्हेन द हॉर्स इज स्टोलन। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इसका हिंदी मीनिंग। हिंदी में ऐसा है, इंग्लिश में ऐसा है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। क्या क्या बोलेंगे इसको, इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल, इट्स कास्टिंग पर्ल्स बिफोर श्वाइन, मीन्स भैंस के आगे बीन बजाए और भैंस बुराए, मीन्स अंधों के आगे रोए अपना नैन खोए। चलिए 13 नंबर में, जैक फॉर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, मीन्स रहून मौला और हरून अधूरा, ऐसे कहा जाता है हिंदी में। 14 नंबर में, जज ए ट्री बाय इट्स फ्रूट्स नॉट बाय इट्स लीव्स, मीन्स वृक्ष की खूबी फल में है पत्तों की सुंदरता में नहीं। 15 नंबर, कीप योर माउथ शट एंड योर आईज ओपन, देखो सब कुछ कहो बहुत थोड़ा, ठीक है, देखो सब कुछ कहो बहुत थोड़ा। 16 नंबर में, किल द स्नेक एज वेल एज सेव द स्टिक, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। 17 नंबर में, किल टू बर्ड्स एक पंथ दो काज विथ वन स्टोन, लुक बिफोर यू लीप, फूक फूक कर पग रखना चाहिए, वैसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे, कूदने से पहले देखो, अर्थात कोई कार्य करने से पहले देखो जांचो परखो, इसलिए फूक फूक कर रखना चाहिए, पग रखना चाहिए। लॉस्ट टाइम इज नेवर फाउंड अगेन, गया समय फिर वापस नहीं आता। 20 नंबर, मेड मैड पीपल थिंक अदर्स मैड, मैड दीवाने को सब दीवाने ही नजर आते हैं, अर्थात जो जैसा होता है उसे लोग वैसे ही दिखते हैं, अर्थात जिसकी जैसी नजर वैसे ही उसे लोग दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार ये हम लोग का आज का क्लास में 5 सेक्शन से, हर एक सेक्शन से 20-20 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट किया, और कुल 100 क्वेश्चंस, जिसमें मोर देन 100 वर्ड्स भी हम लोगों ने सीखा, और 100 क्वेश्चंस ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। हर एग्जाम्पल्स का इसका PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाला हो, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।